तो आज का टॉपिक है बेसिकली अपने सैमसंग टैब को कैसे चार्ज, क्या प्रोसेस है उसका, या 25 वाट का चार्जर ले, 35 वाट का ले। मैं अपने टैब पे प्रैक्टिकली ट्राई किया दोनों चीजों को, क्या डिफरेंट आया, क्या सारा डिटेल्स मैं बताने वाला हूँ अभी। तो ज्यादा लंबा इस वीडियो को मैं नहीं लूंगा, तब तक आप लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दो और इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लो पिंटू टेकी पे। तो आज मैं टैब पे दिखाता हूँ। तो ये रहा 25 वाट का चार्जर सैमसंग का, आप देख सकते हो, ठीक है। और ये रहा अपना एप्पल का 20 वाट का चार्जर। दोनों में क्या फर्क आया मैं बताता हूँ। अगर मैं सैमसंग वाले एडाप्टर से चार्ज करता हूँ, ठीक है, तो ये हमें 45 मिनट कम टाइम लगाता है फुल चार्ज होने में, ठीक है। अगर वही मैं ये 20 वाट का चार्जर है एप्पल का उससे चार्ज करता हूँ, ये 45 मिनट ज्यादा लगाता है फुल चार्ज होने में। बट ये है कि इससे अगर चार्ज मैं कर रहा हूँ 20 वाट से, तो मेरा बैटरी बैकअप भी जो है अप्रोक्स 2.5 आवर ज्यादा दे रहा है, और इससे 2.5 आवर कम मिल रहा है। तो आप लोग सोच लो, डिसाइड कर लो किससे चार्ज करना है। मैं अभी दिखा देता हूँ आपको। देखो यहाँ पे फास्ट चार्जिंग लिखा गया, सुपर फास्ट चार्जिंग, ठीक है। जब मैं इसे लगा रहा हूँ तो सुपर फास्ट चार्जिंग, और यहाँ पे दिखा रहा है कि 58 मिनट में फुल चार्ज होगा, ठीक है। इस पर टेस्ट मत करो, बट मैं जो प्रैक्टिकली दोनों को टेस्ट किया हूँ तो इसके बाद बता रहा हूँ। तो अब मैं एप्पल वाला लगा रहा हूँ, ठीक है। तो ये देखो 1 आवर 22 मिनट्स दिखा रहे हैं। तो जीरो से मैं 100% चार्ज किया था, तो दोनों में 45 मिनट्स का डिफरेंट आया, बट बैटरी बैकअप इसका ज़्यादा मिला। वायर लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप लोग चाहो तो वहाँ से परचेज कर सकते हो।